नमस्कार साथी, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रौनक। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज 18 जनवरी और शाम के 4:20 हो रहे हैं, मार्केट ऑफ है। बट जैसे कि हमारा Q3 के सीरीज चल रहा है, Q3 रिजल्ट की, तो हम लोग स्विस मिलिट्री के बारे में अभी बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो बेसिकली स्विस मिलिट्री करती क्या, कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट्स बनाती है। इस तरह के देखिए बैग्स का मैन्युफैक्चर करती है, इस तरह के प्रोडक्ट कंपनी ये बनाती है, ठीक है ना। स्विस मिलिट्री के नाम से इनके वेबसाइट भी है, उस पर ही सारा का सारा प्रोडक्ट को सेल और वो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये लोग डील करते हैं, होम अप्लाइंसिस में भी, हेल्थ एक्सेसरीज में, ठीक है ना। इस तरह के बैग्स के ज़्यादातर इनका मेन वेंचर क्या है, बैग्स का बनाने का काम है, बैग्स के अंदर ये काम लोग करते हैं। तो ये शेयर आपको ओनली BSE पर रजिस्टर्ड मिलेगा। जो इसका रिजल्ट है बहुत अल्टीमेट है, इसका आगे ट्रेंडिंग कैसे रहने वाला है के बारे में बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल लाइक नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो देखिए इसका रिजल्ट कैसा है, उसके बारे में बात करते हैं स्विस मिलिट्री के अंदर। तो देखिए इसका रिजल्ट जो आया आज ही आया, 18 जनवरी 2022 को आया। तो ये आउटकम निकला था 1 बजे, हमारा पूरा अपडेशन 3 बजे के आसपास आया। तो मगर ये मॉर्निंग से इसमें अपर सर्किट लगा, काफ़ी दिनों से इसमें अपर सर्किट चल रहा है, कितनी तेज़ी रहेगी अपर सर्किट की वो भी बताता हूँ आपको मैं। तो देखिए इसमें और कोई आउटकम तो निकल के नहीं आया रिजल्ट के अंदर, बस इसकी अर्निंग पर ध्यान देते हैं। तो देखिए इसकी अर्निंग लैक्स के अंदर आई है। तो देखिए अर्निंग काफ़ी अच्छी इजाफा देखने को मिल रहा है हमारे को। स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड, कंपनी का नाम है स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड से, कंपनी कहाँ की है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है। तो देखिए कंपनी की जो अर्निंग आई है वो देखिए, टोटल इनकम कंपनी ने इस क्वार्टर में 3 में अर्न किया है 1778 लाख के, 1778 लाख की, यानी कि डबल अर्निंग करी है लास्ट क्वार्टर अर्निंग थी 846 लाख की और लास्ट ईयर थी 25 लाख की। तो ईयर वाइज देखेंगे तो ईयर वाइज अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ईयर वाइज तो 100 एंड यानी कि आप देखेंगे ओनली 1700 लाख की मोटी मोटी ग्रोथ देखने को मिली है आपको सेल्स के अंदर, 1700 लाख की ग्रोथ देखने को मिली है आपको। देखिए लास्ट ईयर सेल थी 25 और इसमें आई है 1,1778, यानी पूरे 1700 लाख की ग्रोथ देखने वाली ईयर बहुत अच्छी अल्टीमेट ग्रोथ देखने को मिली है। और लास्ट क्वार्टर सेल थी 846, वो बढ़ के हुई है 1778, तो ईयर क्वार्टर वाइज डबल ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है, ग्रोथ अच्छी खासी मिल रही है। एक्सपेंस देखेंगे इनका, इस क्वार्टर में एक्सपेंस हुआ 1695, लास्ट में था 1815 और लास्ट ईयर था 32। तो एक्सपेंस में तो वही बात है, एक्सपेंस तो ग्रोथ दिखाई, जब कंपनी ग्रोथ करेगी तो एक्सपेंस भी ग्रोथ करेंगे उसके, तो ये तो लाजमी होता है। तो इसका ऑपरेशन प्रॉफिट जो आया इनका वो देखते हैं। देखिए इनका ऑपरेशन प्रॉफिट आया इस क्वार्टर में 82 लाख का, ठीक है, और लास्ट क्वार्टर था 31 लाख का, लास्ट ईयर था 6 लाख का। तो ईयर वाइज भी देखेंगे तो भी इनका ऑपरेशन प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है, क्वार्टर भी इनके ऑपरेशन प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है हमारे को। अब टोटल नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो हमको इनका नेट प्रॉफिट इनका निकल के आया, तो इनका नेट प्रॉफिट टोटल निकल के आया इस क्वार्टर में आया 101 लाख का प्रॉफिट आया इस क्वार्टर में, और लास्ट क्वार्टर था 31 लाख का, लास्ट ईयर था 6 लाख का। तो क्वार्टर वाइज देखेंगे तो अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिला नेट प्रॉफिट में, क्वार्टर था 31 लाख का बढ़ के हुआ है 101 लाख का, और लास्ट ईयर 6 लाख का था बढ़ के हुआ है, यानी पूरा 95% मुनाफा ग्रोथ मिली है हमारे को ईयर वाइज, और 70% ग्रोथ देखने को मिली हमें क्वार्टर वाइज प्रॉफिट के अंदर। अब इसके अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो EPS की बात करेंगे तो EPS इसका आया 0.18, तो लास्ट क्वार्टर था 0.06, तो लास्ट ईयर था 0.01, तो 17 टाइम्स तो बढ़त देखने को मिली हमें ईयर वाइज, और 3 टाइम्स में ग्रोथ देखने मिली हमारे को क्वार्टर वाइज। देखिए लास्ट ईयर था 0.01, वो बढ़ के हुआ 0.18 EPS, और लास्ट क्वार्टर था 0.06, वो बढ़ के हुआ 0.18, तो EPS में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। मॉरल द स्टोरी है कि इसका जो Q3 का रिजल्ट है बहुत अल्टीमेट है, अब इसमें अपर सर्किट कितने और लेवल तक जाएगा वो अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, और कितना अपर सर्किट जाएगा। और इसके अंदर और क्या देखने को मिला है, कंपनी ने कुछ और चीज़ अलॉट नहीं करी है, कंपनी ने अभी डिविडेंड नहीं दिया है इस क्वार्टर में, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने कुछ ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ठीक है ना। तो बस यही था, कंपनी ने राइट इशू लाई थी दिसंबर के क्वार्टर में, वो तो अलग था, बट अभी इसमें कोई ऐसा कोई डिविडेंड नहीं दिया है कंपनी ने। हाँ, कंपनी ने किसी तरह का कोई डिविडेंड नहीं दिया इस क्वार्टर में। तो मॉरल द स्टोरी है कि इसका जो Q3 का रिजल्ट है बहुत काफ़ी अच्छा आया स्विस मिलिट्री। अब इसका मार्केट कैप समझते हैं स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड का, तो इसका मार्केट कैप अब हो गया है 184
करोड़ का, और स्टॉक पी चल रहा है अभी इसका 283 का, स्टॉक आरओसी चल रहा है इसका 0.49 का, स्टॉक बुक वैल्यू इसकी 0.46 की चल रही है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी इसकी 0.74% हो चुकी है, और डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया, फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये की है, काफ़ी अच्छा अनाउंसमेंट है। तो कंपनी क्या कर रही है, क्वार्टर क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे दे रही है। अब इसकी थोड़ी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए दिसंबर के अंदर प्रमोटर ने होल्डिंग डिक्रीज़ करी है, यानी कि सितंबर क्वार्टर के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 72.31 थी, वो घटके हुए 66.67। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे आप सितंबर क्वार्टर में 72.31 थी, वो घटके हुए 66.67, और FIS की होल्डिंग 0.1 से घटके हुए 0.2 से घटके हुए 0.01, और पब्लिक की होल्डिंग इसमें बढ़ गई है 27.62 से बढ़ के 0.33। तो देखिए एक नेगेटिव साइन बस इधर देखने को मिल रहा है हमारे को, जिसकी होल्डिंग में परिवर्तन देखने को मिला है कि भाई कंपनी ग्रोथ करे, कंपनी रिजल्ट अच्छे दे, तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ क्यों कर रहा है, इंक्रीज़ करनी चाहिए, डिक्रीज़ क्यों करेगी प्रमोटर ने। और साथ ही FIS ने भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ करी है 0.11% का, तो ये बहुत एक नेगेटिव साइन है। बाकी रिजल्ट तो अर्निंग तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, अब इसकी अर्निंग्स का कैसा इंपैक्ट जाएगा वो देखते हैं। देखिए लगातार कंपनी का शेयर अपर सर्किट पे जा रहा है, लगातार अपर सर्किट पे जा रहा है, ये देखिए आज ये ओपन 18.70 पे हुआ है, आज ही अपना 52 हाई बनाया है कंपनी का, अब से 1984 से। देखिए लगातार कंपनी अपर सर्किट मारे, सब अपन डेली चार्ट पे चलते हो, डेली चार्ट पे देखिए ये लगातार, यानी कि 14 दिसंबर के बाद से ही इसमें लगातार अपर सर्किट देखने को मिला, हमारा लगातार अपर सर्किट मिल रहे हैं। तो अभी भी अगर ये मिलता है आपको, देखिए इसमें ऐसे शेयरों से बस अवॉइड करिए, अगर आपके पास इसे होल्ड रखिए जब तक अपर सर्किट लग रहा है, मुझे लगता है 25-30 के बाद इसमें सर्किट टूटेगा, क्योंकि शेयर काफ़ी टाइम से कुछ अच्छी टेरिटरी में, आप देखते हैं थोड़ा मंथली चार्ट देखते हैं कि लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है क्या शेयर इस टाइम पे। देखिए अब यहाँ पे जो है ना करेक्शन का लेवल जो दिख रहा है हमारे को, यहाँ पे करेक्शन का लेवल वो 30 रुपये के आसपास, मैंने बताया ना आपको कि 30 रुपये के आसपास आके इसमें करेक्शन दिख सकती है आपको, अदरवाइज 30 रुपये तक, 25 रुपये तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, 25-30 के बीच में करेक्शन होगी तो जब आप अवॉइड करना है इसको अपने पोर्टफोलियो से हटाने की। बाकी अच्छे रिटर्न मिल चुके हैं आपको, तो अगर है तो अपने पोर्टफोलियो में एंटर किए, 25 तक इसमें कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी आपको। तो 25 तक बेसिकली इसे होल्ड रखिए, फ्रेश बाइंग आपको बिल्कुल नहीं करनी, आपके पास इसे होल्ड रखिए। मेरा मानना है कि अब इसमें जितना बढ़ना तो बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि अपर सर्किट के साथ बढ़ा हुआ है, कभी भी इसमें लोअर सर्किट लेगा, बस रिजल्ट का इंपैक्ट आपको 25-30 रुपये तक दिखेगा, 25 के बाद थोड़ा सा अपने प्रॉफिट बुक कर लेना, प्रॉफिट बुक के साथ अपना ट्रेड करते रहना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।